बैंक्स की बात करें, छोटे बैंक्स की बात करें पार्थे, आरबीएल बैंक 200 वाला 300 एक महीने में हो गया, कोई इसको छूना नहीं चाह रहा था। अभी भी देखिए 290, इसका चार्ट दिखाइए 3 महीने का, आपको मालूम चलेगा इस भाव में क्या बदल गया है। इसमें क्या लोगों का व्यू चेंज हो रहा है आरबीएल पे? आई थिंक पिछले 2 क्वार्टर से तो उन्होंने ये साबित किया और दिखाया कि डेफिनेटली अभी एसेट क्वालिटी एक इम्प्रूविंग ट्रेंड पे है। यही सिमिलर ट्रेंड हमने IDFC फर्स्ट बैंक पे देखा था। आई थिंक मार्केट काफी लंबे समय से स्केप्टिकल था, अनलेस एंड अंटिल 2-3 क्वार्टर कंसेक्यूटिवली मैनेजमेंट ने उनकी कमेंट्री बदली, एसेट क्वालिटी अच्छी दिखाई। यही चीज अगर आरबीएल बैंक पे हो रही है, मुझे लग रहा है Q3 Q4 तक अगर ये लोग वापस ये प्रूव कर सके कि कोई नया आई थिंक NPL नहीं डेवलप हो रहा है और बुक अभी काफी अच्छी है, रिकवरीज अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि ये बैंक बहुत ही रिजनेबली वैल्यूड है। एक जमाने में 4 प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे थी, आज 1.2 टाइम्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे। कंपनी के पास फी बेस्ड इनकम क्रेडिट कार्ड बिजनेस आई थिंक एक शानदार बिजनेस है, अगर उसको भी अच्छा एग्जीक्यूट करता है तो मुझे लगता है अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है आरबीएल बैंक एज अ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल लग रहा है, लेकिन पोटेंशियली रिस्क ज्यादा है, लेकिन लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बैंक एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखती है। सेंट्रम के नोट के बाद लग रहा है थोड़ा सा तो टाई काउंटर्स पे एक मूव बनी है। आज भी आप देखें ओरियंट बेल, जिसको भी सुबह बात कर रहे थे, उसमें 1.5% की मूव है, और इनफैक्ट कजारिया भी आज 1.5% की तेजी के साथ चल रहा है। कल ये तो टाइल काउंटर्स चल रहे थे, साथ ही प्लाईवुड काउंटर्स में भी अच्छी मूव थी। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई टाइल काउंटर प्लाईवुड काउंटर जो आप यहाँ ऐड करना चाहेंगे संतोष? यस सर, जैसा हमने डिस्कस किया कि मुझे हाउसिंग फर्निशिंग थीम अच्छी लग रही है। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक हमने ब्रॉडर मार्केट में फ्रंट लाइन स्टॉक्स में देखे। ब्रॉडर मार्केट में सेंचुरी प्लाईवुड में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, तो ये स्टॉक मुझे लगता है आगे भी तेजी दिखाएगा। अभी 830 के आसपास चल रहा है, धीरे धीरे 950-1000 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा कजारिया सिरेमिक्स का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा, स्टॉक की भी बात पे क्लासिकल कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया, ये भी धीरे धीरे 1520-1540 के लेवल दिखा सकता है, तो इस पे नजर रखिएगा। नीचे आप 1380 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं।